हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टीम के द्वारा आपके एसआई और एएसआई जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आनी है उसके लिए निःशुल्क बैच चल रहा है। इस समय हिंदी सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीन दिन हिंदी मिलती है आपको 2 बजे की क्लास में, और 3 दिन आपका मानसिक जो अभिरुचि परीक्षण है जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, जनहित, पुलिस, आपका प्रोफेशन, इन सभी के बारे में, इनके प्रति जो दृष्टिकोण से संबंधित सवाल होते हैं उनकी क्लास होती है। अभी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर की मांग कर रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेस जल्द ही प्रारंभ हो जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। जितनी भी आपके विषय हैं इस पूरे पाठ्यक्रम में जितना कुछ समाहित है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। अगर आपको पीडीएफ सब्सक्रिप्शन लेना है कि जितनी क्लास चलती है उसकी मुझे पीडीएफ नोट्स भी मिले, एक अच्छी नोट्स जो बाद में आपको पूरा कंबाइन करके दी जाएगी ताकि आप प्रिंट करवा सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, 3 महीने तक वैलिड है, 499 रुपए में 3 महीने वैलिड। मतलब इससे बढ़िया प्लान कोई नहीं हो सकता। आप ऐप इंस्टॉल करिए, परीक्षा प्लस जाके सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और रजिस्टर के बाद 10+ कोर्स ओपन करिए। 10+ कोर्स जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एसआई एएसआई की क्लासेस दिखेंगी, कोर्स दिखेगा, उसको ओपन करिए। अब जो लोग पीडीएफ लेना चाह रहे हैं वो उनको जो है वहीं से पेमेंट करना है, जिन्हें पीडीएफ नहीं लेनी है केवल वीडियोस देखना है तो वहीं पर पूरी वीडियोस लगी हैं, वीडियो पर आप क्लिक करेंगे वो चलेंगी, सारी क्लासेस क्रम से लगी हुई है। मैथ सेक्शन दिखेगा, मैथ में पूरी क्लास लगी है, हिंदी दिखेगा, हिंदी पर क्लिक करेंगे पूरी क्लास लगी है, ऐसे नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे पूरे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, सभी के क्लासेज उसमें एक तरफ से लगी हुई है। तो ये है आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, आप आराम से मस्त होकर पढ़िए। आप नोट्स स्वयं से बना सकते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं आप बनाइए, विधिवत है। और अगर आप नोट्स बनाने में समय बचाना चाहते हैं, कुछ और अच्छा पाना चाहते हैं, तो आप जो है पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। 499 में 3 महीने क्या है यार, किसी बैच को ज्वाइन करोगे कम से कम 2500 दोगे, ठीक है, और हमसे बेस्ट क्वालिटी कोई दे नहीं सकता, ये आप जानते हो, खुला चैलेंज है। चलिए आज हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में मैं आपको शुरुआत रस से मैंने किया था और रस के बारे में आपको पढ़ा दिया था सारी चीजें, क्योंकि छंद शास्त्र को सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहां, वो विधा समाप्त हो जाए फिर हिंदी व्याकरण मेरे अनुसार उस पर हम लोग आए और सारी प्रक्रिया को अच्छे ढंग से पढ़ें। तो आज हमें जो पढ़ना है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यानी छंद शास्त्र के अंतर्गत, आज हम पढ़ रहे थे छंद को ही, ठीक है। छंद में मैंने आपको बताया था कि छंद के अंग क्या होते हैं, विभेद कितने होते हैं, तो विभेदों में इसके 2 प्रमुख विभेद को मैंने बताया था कि आपके जो पाठ्यक्रम में है वह केवल मात्रिक विभेद से ही है, ठीक है। एक आपका छंद होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। वर्णिक और मात्रिक में जो मुख्य रूप से विभेद किया गया है, वर्णिक में वर्णों की संख्या का हम जो है अंतराल देखते हैं, इसमें वर्णों की संख्या के आधार पर कोई काव्य रचना की गई हो, एक विशेष रचना की गई हो जिसमें एक निश्चित जो है वर्ण एक नियमित क्रम के अंतर्गत आते हैं और उनको पढ़ने से जो आह्लाद पैदा होता वह वर्णिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद वह है कि एक ऐसा छंद जिसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या एक नियमित क्रम में आती है, मात्राओं की संख्या एक नियमित क्रम में आती है और लघु और गुर का स्थान एक नियत होता है, निश्चित होता है, ऐसी रचना आपकी क्या कहलाती है? मात्रिक छंद कहलाती है। और मात्रिक छंद के 3 विभेद बनाए गए क्योंकि मात्राओं की संख्या किसी किसी में एकदम बराबर होती है हर एक चरणों में, किसी में आपका जो है आधे चरण में बराबर होती है तो उनको अर्ध सममात्रिक बोल दिया जाता है और एक आपका विषम मात्रिक होता है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक से ही पूछे जाते हैं तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं। यूपीएसआई का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ के रखिएगा, क्योंकि भैया टीसीएस है, टीसीएस का आज तक का जो पैटर्न देखा गया है वो जिन जिन बिंदुओं को लिखती है उन उन बिंदुओं पर सवाल जरूर पूछती है। तीसरी चीज, हिंदी पर मैं क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अब जो आपका जो है नया जो इसमें शासन ने फेरबदल किया है उसके अनुसार कि पहले क्या होता था कि हर एक विषय में आपके जो ये 4 विषय बनाता था उसमें आपको 50% अंक लाना कंपलसरी था, इतने प्रतिशत आपको लाने पर पास माना जाता था। अब इसने क्या किया है कि हर एक विषय में आपको 35% लाना कंपलसरी है, लेकिन
जो ओवरऑल आपका पूरा पेपर है उसमें आपको सब मिला के 50% न्यूनतम अंक अर्जित करने हैं। यानी अब 50% न्यूनतम अंक लाने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि कौन से विषय कम हैं और जिन पर मैं अच्छी पकड़ बना के बहुत विधिवत ढंग से कर सकता हूं। ठीक है, कौन से विषय कम हैं जिन पर अच्छी पकड़ बना के सारे मार्क्स जो है लाए जा सकते हैं। तो इन विषयों में आपकी क्या है, एक तो हिंदी में पढ़ा रहा ये आपका है, हिंदी से लगभग 25 प्रश्न आने हैं। ठीक है, और इसमें 25 प्रश्नों में आपका पूरा का पूरा जो शेड्यूल बनता है, ठीक, इसके अनुसार आप बहुत ढंग से आराम से करते हुए सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से यहां वहां मार्क्स अचीव कर सकते हैं। यानी जितना है 25 क्वेश्चन मान लीजिए आया, तो इसमें आप लगभग 23 से 24 प्रश्न सही करने की क्षमता रखते हैं हिंदी में। जिस अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं उस अनुसार पढ़ते जाइए, 100% है पूरे के पूरे प्रश्न यहां से मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा विषय जैसे मानसिक अवरिच है, इससे भी लगभग 25 सवाल होते हैं, इसकी क्लास भी मैं पढ़ा रहा हूं, ऐप पर जाना वहां मेंटल एबिलिटी मिलेगा एसआई में, तो उसको ओपन करोगे, दो क्लासेस मैंने पढ़ाई है कमिश्नरी प्रणाली के बारे में और पहला जो है आपके जो विषय वस्तु है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, मानसिक अभिरुचि से भी 25 प्रश्न होते हैं, इसको भी जितने पॉइंट में पढ़ाऊंगा जितना पाठ्यक्रम में दिया है उसको अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई नहीं होगा, इस पर इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तीसरा इसमें जो आपका रोल बढ़ेगा वह करंट का बढ़ेगा, करंट की क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, पूरा शुरू होगा, इसका टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा, और दूसरी बात जो लोग 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे टेस्ट सीरीज उन्हीं में होगी, और परीक्षा प्लस की टेस्ट सीरीज खुली चेतावनी जो है चैलेंज होता है कि हम जैसा कोई करके दिखा दे, हमारी टेस्ट सीरीज लगी हुई है। संडे प्लस अभी जो है हर दिन 5 संडे प्लस टेस्ट फ्री कराए जाते हैं, आप किसी भी टेस्ट को दे करके आपके ऐप पर मिल जाएगा, वो टेस्ट निःशुल्क है, आप देकर देख सकते हैं कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, इसमें करंट भी होगा। अगला रोल आपका कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर भी संपूर्ण कंप्यूटर क्लासेज आपको दी जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इसका मटेरियल अच्छा दिया जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं भैया ले लो, 499 में इतना तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है कि अरे मेरे पैसे डूब जाएंगे, 3 महीने की बात है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो ढंग से जिससे कुछ हो सके, और जो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों का देखते हैं कि उन्हें लगता है कि भर्तियों का अकाल पड़ गया है, SSSC इधर काम नहीं कर रही है। ठीक है, अभी पिछले साल ही ऐसा तो रहा नहीं कि कोई परीक्षा ही नहीं हुई, परीक्षाएं तो हुई हैं, आपको लगे रहना है। थोड़ा सा ये कोविड की वजह से सारी चीजें हुई, अभी कल भी मैंने जो है एक न्यूज डाली थी जिसमें SSSC में काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि SSSC के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया। अब वो किस पर है, वो सारे लोग जो है इस समय कोविड के मैनेजमेंट में लगे हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा काम पीछे चल रहा है। तो परेशान नहीं रहना है भैया, ऐसा नहीं है कि कोविड हमेशा रहेगा और ये सारी चीजें ऐसी चलेंगी। ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस किया है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अब हम शुरू करते हैं। आज कौन कौन से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक तो चौपाई छंद के बारे में पढ़ेंगे, चौपाई के बाद आपका जो है अन्य जितने भी हैं, रोला हो गया, उल्लाला हो गया, बरवय हो गया, ठीक है, जो जो पूछा जा सकता है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण को मैं समझा दूंगा उस तरीके से कि आपको उसके बाद वहां मात्रा गिनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, चौपाई छंद पहली हेडिंग है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो यहां से नोट्स बना सकते हो भैया, वीडियो रोक रोक के देखो अच्छे से, पहली बार पूरी वीडियो देखो, दूसरी बार वीडियो रोक रोक के आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नहीं अगर समय बचाना चाह रहे हो तो समय यहां से भी बचा सकते हो। देखो चौपाई छंद कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए जो लक्षण होते हैं, यह मात्रिक जो है यह सम मात्रिक छंद आपका होता है, मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक कहने का आशय क्या है, इसका अर्थ होता है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपको मिलेंगी। अगर आप मात्राओं को गिनेंगे 4 चरणों में तो हर एक चरण में 16 मात्राएं मिलेंगी। तीसरी बात, प्रत्येक चरण के अंत में आपको जगण या तगण आना वर्जित माना जाता है। ठीक है, अगर जगण आ गया या तगण आ गया तो वह वर्जित है, इसमें चौपाई छंद में नहीं आएगा। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यति का अर्थ होता है ठहराओ या विराम, हर एक चरण के अंत में आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर ठहराव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक मात्रा और डबल मात्रा ऐसे दर्शाया जाता है। तुक जो होता है, मतलब जो आपके सबसे अंतिम वाले वर्ण होते हैं, उन वर्णों में क्या होता है, शब्दों में
एक लय बैठती है जिससे चैपाई आपकी लयबद्ध बनती है। काव्य यही तो है, काव्य आपका लयबद्ध होता है। जो आपका तुक है, तुक सदैव पहले चरण की दूसरे चरण के साथ व तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें जो जो कहा गया कि यति प्रत्येक चरण के अंत में होगी, तुक जो है पहले और दूसरे में, तीसरे और चौथे में होता है, तो इन्हीं को समझिए उदाहरण को, और मात्राएं कैसे गिनते हैं उनको समझिए। देखिए एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप सभी को इसको जीवन में भी उतारना चाहिए और यह सीख भी है। कह रहा कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी धर्म, मित्र यानी आपका सखा, और नारी ठीक है स्त्री पत्नी, इन चारों की पहचान कब होती है? जब आप पर कोई विपत्ति पड़ती है। विपत्ति के समय चार की पहचान होती है, आपके धैर्य की, आपके धर्म की, आपके मित्र की और आपके पत्नी की। इन चारों की पहचान जब आप पर दुख पड़ेगा उसी दौरान होती है, सुख में कोई भी पहचान इसकी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें मात्राओं को गिनते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले आई यति की बात करें तो दोनों में यति है, ठीक है, ठहराव है। यहां जैसे आप पढ़ोगे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अब यहां रुक गए, यति यही है कि जहां ठहराव लेते हैं। दूसरी चीज इसने बोला कि पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में आपका तुक होता है, तो पहले में जैसे यहां नारी और यहां चारी, तुक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चौपाई की यह पहचान होती है। ठीक है, यहां नारी और यहां चारी लिखा है, यानी तुक मिल रहा है, लय बन रहा है। अब इसमें मात्राओं को गिन लो, धीरज धा पर ई की मात्रा है तो इसमें दीर्घ मात्रा हो गई। मात्राओं की जो लोग वीडियो नहीं देखे इससे पहले जाकर देखिए, पूरी चीजें मैंने बहुत विधवत ढंग से बता रखी है। अब रा और जा आ रहा तो इसमें एक एक मात्राएं हैं, एक मात्राओं में एक सिंगल जो है खड़ी पाई ऐसे लगा देते हैं। धर्म इसमें भी तीन मात्राएं हो गई, मित्र हो गया तो मित्र में भी आपकी तीन मात्राएं आ गई, अरु नारी इसमें दोनों में एक एक होगा और नारी में आपकी दो दो मात्राएं हो गई। अब इनको गिनोगे तो यहां से कितना, चार तीन सात तीन दस दो बारह और चार सोलह मात्राएं पहले में हो और सोलह मात्राएं आपकी दूसरे में भी हैं। ठीक, यानी हर एक चरणों में जहां सोलह सोलह, आप कहोगे गुरु जी आपने दो चरण लिख दिए। अब चार चरणों की मात्रा सुन लो, जो आप लोग पढ़ते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूं लोक उजागर। ठीक है, रामदूत यतुलित बलिदामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा, जानते हैं कि नहीं? तो इसमें समझ लीजिए, इसके देखो लास्ट में देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और लोक उजागर, यहां मिल रहा है तुक ना। ठीक, अब इसमें आप गिन सकते हो पूरी की पूरी, जय लिखा है तो दो मात्रा, हनुमान एक एक इस पर, ठीक है, मां यानी दीर्घ हो गया एक इस पर, ऐसे इस पर हो जाएगा, ऐसे इस पर हो गया, ऐसे इस पर, ठीक है, 16 16 मात्राएं सभी में आएंगी जब आप गिनोगे। ये मात्रा कैसे गिननी है, इससे पहले की वीडियो में मैंने सब कुछ बताया बहुत ढंग से। जो मित्रगण पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप जाकर के जो है उस वीडियो को भी देख लें एक बार। ऐसे इसमें सारी चीजें, तो हर एक चरण में आपका 16 मात्राएं मिलेंगी और जहां यह मिलेगा वहां मार देना खट से कि यह चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई वैसे रामायण जो लोग गांव से जुड़े हैं रामायण पाठ वगैरह पढ़ रहे, ऐसा नहीं शहर वाले एकदम नास्तिक होते हैं, शहरों में भी रामायण पढ़ी जाती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो है गांव पर आम प्रचलन है कि भैया आज मंगलवार है, आज जो है क्या होनी है, मंगल बेटी होनी है, जानते हो नहीं, गांव वाले हैं वो जानते होंगे। ठीक है, तो वहीं बैठ जाते हैं, बढ़िया ढोल वगैरह व्यवस्था हो गई, हो गया बढ़िया सुंदरकांड पढ़ लिया आराम से, ठीक, तो ये चलता रहता है। फिर साल भर के बाद बढ़िया किसी मंदिर पर भंडारा होता है, क्या समझो गांव की फीलिंग तुम लोग। चलो देखो दोहा छंद के बारे में अब हम पढ़ते हैं, दोहा छंद क्या होता है, छंद का ही प्रकार है, दोहा भी जानते हो चौपाई भी जानते हो, रामायण पढ़ते वक्त जो है छंद तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, चौपाई तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। देखिए यह जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है दोहा, अन्य जो सम्मात्रिक है उनको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक एक उदाहरण जो आपके परीक्षा में दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, और एक अच्छा रणनीतिक वही होता है जिसको पता है कि अपने पंख कहां तक फड़फड़ाने हैं। ठीक है, चादर वही जो है पांव वहीं तक फैलाना है जहां तक चादर है,
सिलेबस जहां तक दिया, पाठ्यक्रम जहां तक दिया है उतने तक ही रहना है। ये नहीं कि अब हम हिंदी में पीएचडी करके बैठ जाएंगे, हिंदी ही पढ़ के पूरे सिलेबस को छोड़ देंगे, सिर्फ हिंदी पढ़ के हम महान बन जाएंगे और 25 में 25 इसमें ला करके हम जो है घंटा बैठ के जो है प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक विषय जरूरी है हर एक विद्यार्थी के लिए और उस पर अपनी सभी की रणनीति होती है, कौन किस अनुसार पढ़ता है। ठीक है, देखिए इसमें या अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। सीधा सीधा भी सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से कौन अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है या सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तो वहां थोड़ा सा यह भी दिमाग लगाना है कि कौन किसके अंतर्गत है। देखिए इसमें अब अर्ध सममात्रिक क्यों बोला गया, चार चरण होते हैं, चार चरण में इसके पहला और तीसरा जो होगा और दूसरा और जो चौथा होगा इनमें मात्राएं कैसी कैसी मिलेंगी। पहले और तीसरे चरण में अगर 13-13 मात्राएं मिल गई और दूसरे और चौथे चरण में अगर 11-11 मात्राएं मिल गई तो वहीं समझ जाना कि यह आपका क्या है, दोहा लिखा हुआ है। इसके विषम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित है, ठीक है, जबकि सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस बात को कैसे समझते हैं अभी उदाहरण में समझेंगे। यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में होगी ही होगी, ये तो कंपलसरी है, और तुक प्रायः सम चरणों में मिलती है, मतलब दूसरे चौथे में तुक आपको जरूर मिलेगी। चलिए जैसे एक आपके सामने उदाहरण लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, ठीक है, प्रेम का धागा जो है तोड़ना नहीं चाहिए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाए, ठीक है, मतलब दूसरा वाला उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है कि हंसा बगुला एक से, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सरोवर के बीच में रहते हैं, सरोवर में रहते हैं, लेकिन बगुला मछली को ढूंढता और हंस मोती चुनता है, तो एक ही सरोवर में है, एक ही चीजें हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी को समझते जैसे हंसा बगुला एक से, यति आई रहत सरोवर माही, इसके बाद आपका दूसरा चरण रहा समाप्त हुआ, रुका जो है रुकना रहा, विराम आया, फिर तीसरा बगुला ढोड़े माछरी हंसा मोती खाए। मैंने क्या बताया था कि जो सम चरण होंगे उनमें तुक जरूर मिलता है, अब यहां देखिए माही और खाही दोनों आए, दोनों का तुक मिला, यही क्या है, दोहा की। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, 13 और 13 में, 13 और 13 आपका क्या होगा, पहला और तीसरा में मिलेगा, और इसके बाद में जो होगा मतलब दूसरा और जो चौथा होगा इसमें 11 और 11 मिलेंगी, बस इतना ध्यान रखना है कि 11 11 कहां पर आती है और 14 14 कहां पर आती है। ठीक है, इससे उदाहरण कम ही पूछे जाते हैं, जितने उदाहरण आपके पूछे गए हैं वह उदाहरण आपके किससे हैं, वह उदाहरण आपके चौपाई छंद से हैं। हालांकि इन सबका अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग से होगी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम वैसे कवर करवा लेंगे, तो उदाहरणों को वहां पर और विधिवत ढंग से समझने का मौका मिलेगा। ठीक, यहां सिर्फ दिमाग में आपको बनाते हुए चलना है कि कैसे किन चीजों को हम गिनते हैं, कैसे क्या होता है, मात्राओं और वर्णों को गिनना मैंने दोनों इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से बताया, वहां से सारी चीजें कन्फर्म हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका सोरठा छंद आता है, सोरठा छंद है, सोरठा किसका भेद है, अर्ध सममात्रिक का भेद है, सबसे पहले तो इस चीज को जानना चाहिए। अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत यह पूछा गया है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को आप पेपर सबसे पहले एनालाइज करना, ठीक है, टीसीएस के पैटर्न को देखना, मैं उसी अनुरूप आपको पढ़ा रहा हूं सारी चीजें जिस अनुरूप ये सवाल पूछता, और टीसीएस आपकी सबसे बड़ी संस्था है देश में परीक्षा कराने की, एसएससी के पेपर, रेलवे के पेपर, उत्तर प्रदेश जो आपका अधीनस्थ चयन आयोग है UP SSC इसके पेपर, और अब साथ ही साथ आपका कौन सा ये जो आपका दरोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसका भी पेपर टीसीएस ही करवाती है। तो टीसीएस के पैटर्न को जब आप समझेंगे, 19 में जो पेपर हुआ है, अभी मैंने इससे पहले इसका पेपर सॉल्व करवाया था, तब आपको बताया था कि उसके क्वेश्चन इसमें SSS के पेपर में भी मिले हैं 19 वाले में, ठीक, तो ये पूरा का पूरा कितने क्वेश्चन नए फ्रेम होंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत विधिवत ढंग से आगे कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यह दोहा छंद के विपरीत लक्षणों वाला छंद माना जाता है, ठीक, जस्ट दोहा का उल्टा पूछता है सीधा सवाल कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो दोहा का उल्टा जो बनेगा वो आपका हमेशा याद रखिएगा सोरठा होता है, ठीक है। अब उसमें 13-13 मात्राएं चल रही थी और फिर 11-11 यहां पर क्या होगा, यहां 11-11 पहले होगा और 13-13 बाद में होगा, बस इतने अंतर है,
ठीक है। इसके जो विषम चरण होंगे वहां 11-11 मात्राएं मिलेंगी, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। बस इतना याद रखना है कि ये सोरठा है वो दोहा है, ठीक है, पलट जाएंगी बस। इसके सम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित माना जाता है, ठीक है, जगण आना वर्जित है, जबकि विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है, अत्यावश्यक। ये जगण मगण तगण, ठीक है, रगण, ये सब कुछ मैंने इससे पहले पढ़ा है कि जगण का मतलब क्या होता है, कौन से यहां पर देखते हैं, ठीक, सारी चीजों को आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, इस बात को ध्यान रखिए, और तुक प्राय सम चरणों में मिलती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है कि जानी गौरी अनुकूल शे ही हर सुना जा ही कही, और अगली लाइन लिखिए मन जो है, चलिए दूसरा उदाहरण आ गया है, दो चीजें हैं, पहले वाले से पहले को समझ लीजिए क्या चीजें इसमें हैं। पहला वाला बोल रहा है कि जानी गौरी अनुकूल सिये ही हर सुना जा ही कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, ठीक, इसमें जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से आप काउंटिंग करेंगे तो दो और एक तीन यहां से बना, पहले से गौरी से भी तीन बनेगा, और उसके बाद अनुकूल में देखेंगे तो पहला दूसरा आपका क्या है, लघु है, तीसरा आपका दीर्घ है, और चौथा आपका क्या है, लघु है। अब इसको काउंटिंग करेंगे, तीन यहां से, छह, एक सात, एक आठ, दो दस और एक ग्यारह। पहले चरण में आपके जो विषम है इसमें 11 मात्राएं मिल गई, दूसरे में देखोगे शिय ही हर सुना जा ही काई, तो इसमें जब आप काउंटिंग प्रारंभ करेंगे तो पहला एक मात्रा लघु हो गई, ये भी लघु है, ये लघु हो गया, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लघु के अंतर्गत है, ये भी है, ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, इसको काउंट करोगे तो दो ये, दो चार और तीन सात, एक आठ और तीन ग्यारह और दो तेरह मात्राएं इसमें आ गई। अब सम चरण में 13 हो गई और पहले वाले में 11 हो गई, इस अनुसार इसे समझना होता है, ठीक है। 11-13 मतलब पहले चरण में, तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चरण और चौथे चरण में 13-13, मतलब जस्ट ये उल्टा हो जाएगा चौपाई वाला। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला जो है, ठीक है, मतलब दोहे वाला, इसमें जो चीजें कह रही हैं, अगला एक उदाहरण आपके सामने है कि कपिकर हृदय विचार दीन है मुद्रिका डारी तब, ठीक है, हनुमान जी का प्रसंग है लंगा वाला, और जन अशोक अंगार लीन है हरिस उठ कर गए हो। इसमें जिस अनुसार दिया है आप जैसे ही इसमें फिर से गिनना प्रारंभ करेंगे वैसे ही आपको 11-13 की मात्राओं का अरेंजमेंट फिर से मिल जाएगा, क्रम फिर से मिल जाएगा। तो यह आपकी जो है उदाहरण किसके होते हैं। आगे बढ़ते हैं एक हरिगीत का, ये वैसे आपके सिलेबस में दिया नहीं है पाठ्यक्रम में, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें हैं, कभी कभार जो उदाहरण पूछा है जैसा कि मतलब यूपीएसआई के वैसे पेपर में, तो उसमें इनको पूछ लिया, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए आपको। हरिगीत का क्या है, देखो ये सममात्रिक का ही भेद है, ठीक है, जैसे सममात्रिक आपने चौपाई पढ़ा था कि हर एक चरण बराबर, हर एक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर, चौपाई हो गई 16 सभी में मात्राएं आएंगी, चारों चरण में दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अर्ध सममात्रिक आते हैं हमें दिमाग लगाना होता है, यह सममात्रिक का है यानी चारों चरणों में बराबर मात्राएं मिलेंगी। कैसे, इनमें जो मात्राओं की संख्या होती है यह 28 मात्राएं होती हैं, इसके हर एक चरण में 28 मात्राएं मिलती हैं हरिगीतिका छंद के अंतर्गत। दूसरी चीज, इसमें यदि क्रमशः 16 व 12 मात्राओं पर होती है, 16 मात्रा पर यदि आएगी विराम आएगा, ठहरा हुआ आएगा, फिर 12 मात्रा पर ठहरा हुआ आएगा, उसके बाद प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होती है, यह इसका एक नियमित क्रम है, यह इसको फॉलो करता है, इसीलिए तो इसका विभेद किया गया, नहीं तो विभेद करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु मात्रा आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु आएगा, एक गुरु आएगा, ठीक। अब इसमें एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे यह पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, ठीक है, उत्तरा जानते ही है, ठीक है, जब आपने महाभारत प्रसंग पढ़ा होगा तो इसमें जब आप देखेंगे पहला जो आपका कह रहा यहां लघु है, यहां लघु है, यहां दीर्घ आ गया, ठीक है, उसके बाद देखिए हुई, ये आपका पहला लघु है, दूसरा दीर्घ है, यो यो है, अनुस्वार में मैंने बोला था, ठीक, वैसे भी आप देखोगे तो इसमें दो मात्राएं आएंगी, उसके बाद उत्तरा, ठीक है, इसमें, अच्छा इसमें तीन होगा,
उसके बाद उत्तरा में देखें एक हो गया, यहां दो, मैंने इसको काउंटिंग बताई है कि जब पूरा होगा तभी ये गिनेंगे, ठीक है, फिर आपका दो हो जाएगा, फिर उसके बाद के ये दो हो गया, इस अनुसार पूरी। अब यहां पर जैसे ही मत हुई, ठीक, यति आने का जो चीजें थी वो ऐसे ही कंप्लीट होंगी। अब इसको आप गिन सकते हैं कि क्या कैसे है, जैसे यहां पर ये कितना हो गया, दो और दो चार, और यहां से तीन सात, और दो सात के बाद दो नौ हो गया। उसके बाद आगे देखोगे आप तो यहां पर जो आपको मिलेगा एक एक दो और जो है दो, ग्यारह दो तेरह मिल गई, ठीक है। इस अनुसार इसमें आपका जो सोलह आएंगे इसमें मात्राएं, सोलह के बाद ये आपका बारह आएगा, ठीक है, ऐसे ये सोलह बारह होगा सारी चीजें, इसमें अट्ठाईस होती है, एक ऐसे ही आपका दिया है, ठीक, पूरी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, इसमें उदाहरण बहुत कम दिया है इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आपको एकदम एक एक चीजें नहीं बता रहा हूं। जितना सवाल भैया पूछा है आप पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर से सवाल सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा है कि इसमें कितनी मात्राएं क्या होती है, ठीक है। वहां ऑनलाइन पेपर होना है तो ऑनलाइन में बड़े से बड़ा क्वेश्चन देने से बचा जाता है ताकि स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके, इसका यह फायदा मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर ऑनलाइन होना है पहले ही दिमाग में बना लीजिए, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे ऐप पर आपको सारे टेस्ट वगैरह मिलना प्रारंभ हो जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। अब हम बात करते हैं सवैया छंद की, यह वर्णिक समछंद होता है। सवैया किसका, वर्णिक छंद का, वर्णिक का उदाहरण है। अभी तक हम मात्रिक छंदों को पढ़ रहे थे, अब वर्णिक छंद को पढ़ रहे हैं। सवैया वर्णिक के अंतर्गत है, मतलब वर्णों को गिनोगे, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, 22 से 26 फिक्स नहीं है, 22 से 26 के बीच होगा हर एक चरण में। वर्णों की संख्या एवं गणों की संख्या प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 वेद किए जाते हैं। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद का भेद है। सवाल ऐसे बनते हैं, सवाल की प्रकृति को समझो उस अनुसार पढ़ाई करो, ठीक है, ये चीजें हैं। आगे इसमें जैसे उदाहरण दिया है, अब इसमें तो मात्राएं कभी गिनने को ना आया और ना कभी पूछेगा, वर्णों की हमेशा मात्रिक छंद आपसे पूछा है और मात्रिक ही पूछेगा। एक घनाक्षरी वर्ण इसी के अंतर्गत होता है, घनाक्षरी छंद होता है, ये दंडक श्रेणी का होता है, हालांकि दंडक श्रेणी आप में है नहीं, इसी में एक रूप घनाक्षरी है, ठीक है। जो सवाल जरूरी है बरवे पढ़ लीजिए क्योंकि ये अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। बरवे छंद को अगर देखते हैं, यह है क्या, देखिए अर्धसम मात्रिक छंद होता है, सबसे पहले यह जानिए, ठीक, एक क्वेश्चन बना के देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धसम मात्रिक का छंद नहीं है। अब वहां पर आपको चार ऑप्शन होंगे, चार के बारे में से चारों के बारे में जानना जरूरी होगा, जहां नहीं जुड़ गया वहीं पर आपका प्रश्न कठिन बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अर्धसम मात्रिक का छंद है, ठीक है, इसके विषम चरणों में 12 12 एवं सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती है, 12 7 19 12 7 19 इस हिसाब से चलता है, ठीक है। इसमें ध्रुव व कुरंग छंद के नाम से भी इसको पुकारते हैं, तो दूसरा इसका नाम मिल गया, ध्रुव भी कहते हैं या कुरंग छंद भी कहते हैं, किसको, आपके बरवे छंद को। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, एक चीज बस ये याद रखना कि 12 12 और जो है 7 7 चलता है और अर्धसम मात्रिक का भेद है, बस इतने इसके लिए जरूरी है, कभी बरवे से आपसे उदाहरण नहीं पूछेगा। चौपाई छंद एक होता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, चौपाई और चौपाई दोनों अलग है, इसमें 15 मात्राएं प्रत्येक चरण में मिलती हैं, ये भी सममात्रिक का ही उदाहरण है, हालांकि इससे कभी सवाल ना पूछा है ना पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर हर एक चरण में 16 की जगह 15 मिल गई तब भी आप चौपाई दिया है तो मार देना, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये जो आपने सुना होगा ये चौपाई है, चौपाई नहीं है, चौपाई में 16 16 होती हैं, इसमें आपका कैसे हैं, इसमें 15 15 मात्राएं सभी चरणों में मिलेंगी। उसके बाद बढ़ते हैं रोला को देख लीजिए, ये सवाल पूछा है रोला से, रोला आपका सममात्रिक का उदाहरण है, समछंद सममात्रिक छंद होता है, इसमें मात्राओं की संख्या 24 होती है, हर एक चरण में 24 मात्राएं, ठीक है, 11 13 इसमें जो होता है, जो तुक मिलेगा दो चरणों में तुक मिलता है, ठीक है, मतलब आपस में जैसा उसकी लय मिलेगी ऐसे अंतिम वाले की लय मिलेगी, जैसे हे देवी यह सृष्ट यह नियम सृष्ट में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, ठीक है, जिसमें बल है वही सुरक्षित रह सकता है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। अगर कोई निर्बल है और रक्षा साधन उसे तमाम प्राप्त हो तब भी वो इस संसार में रह नहीं सकता, हालांकि ऐसा नहीं है, 11 13 मात्राओं पर यति होती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक, और इसमें जैसा दिया है उस हिसाब से आपकी पूरी की पूरी 24 मात्राएं, मात्राएं गिनने से नहीं आया है,
सिर्फ इसमें यह पूछा है कि इसका उदाहरण है सम मात्रिक का है और मात्राएं पूछा है कितनी मात्राएं होती तो 24 होती हैं। ठीक है, बाकी मैंने हर एक चीजें नोट्स में भी दे रखी हैं, परेशान नहीं होना। अगला आपका है कुंडलियां छंद। ठीक है, कुंडलियों छंद में देखते हैं इसमें क्या होता है, विषम मात्रिक छंद है। ठीक, दो चीजों को ध्यान रखना, मैंने इसमें जब आगे पहला लेक्चर पढ़ाया था इसमें एक जो सवाल आपका पूछता है ये वाला सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा छंद रोला आपका और दोहा को मिलाकर बनाया जाता है, ऐसे सवाल आए हैं। ठीक है, सवाल हमेशा भाषाई आधार पर ज्यादा पूछे जाएंगे, उदाहरण देकर नहीं पूछेगा किसी में भी, चाहे आपको मैंने रस पढ़ाया, रस के पूरे प्रश्नों को देख डालिए। ठीक है, प्रश्नों के को लगातार चेक किया करिए, प्रश्नों के स्तर को देखा करिए ताकि आपको अपनी पढ़ाई की गहराई में कहां तक जाना है यह सीमित आप जो है कर पाए स्वयं से, नहीं तो ये सारी चीजें तो इतनी है कि पढ़ते रहो तो रस ही चलता रहे, छंद ही चलता रहे। इसमें देखिए दोहा व रोला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है, यह सवाल आया है, और इसमें 6 चरण होते। भाई जाहिर सी बात है, दो को मिला के बनाया गया तो चरणों की संख्या बढ़ जाएगी। 6 चरणों में प्रत्येक दो चरणों में दोहा होगा और छंद के लक्षण व अंतिम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण होंगे। ठीक है, दो आपके दोहा के होते हैं, अंतिम 4 आपके रोला के होते हैं, तो इन 4 और 2 को मिला के 6 आपके जो है चरण बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है, यह सवाल आया है, यह छंद जो है जिस शब्द से आरंभ होगा उसी शब्द से अंत होता है, इसकी पहचान ये होती है। अगर आपके सामने दिया है पहचानिए कौन सा छंद है, देख लेना शुरू में कौन सा शब्द है, प्रायः यही होगा, अधिकतर जो आपको उदाहरण मिलेगा इसका वो यही मिलेगा कि जिससे शुरुआत होगी उससे ही अंत होगा। ठीक है, इसे गाथा छंद भी कहते हैं कि पूरी राग गाथा गा दिए। देखिए वो तो समझाया है उदाहरण कैसे है और शब्द को लेकर के पूरी चीजें बताई है, ये एक उदाहरण यहां पर साथ लिखा है, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां तहां बचावे अंग, और तीसरी लाइन क्या है, जहां बचावे अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दावागीर होए ताहू को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हे मेरे बाटी, सब हथियार छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। और लाठी से शुरू हुआ और लाठी पे ही खत्म हुआ तो ये किसका उदाहरण हो गया, समझ गए ना, चरण भी 6 मिलेंगे और जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से अंत होगा, तो इसको पहचानना सबसे आसान है, ना मात्रा गिनना है ना कुछ, अधिकतर जितने आपको मिलेंगे प्रायः ये इसका आपका जितना उदाहरण आपको मिलेगा अगर दे रहा है तो वहां पर ये यही देगा, इसी अनुसार देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लाला एक छंद होता है, उल्लाला से इसके मिलने के उसको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक चीज ध्यान दीजिए, अर्ध सममात्रिक है मतलब पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी में खेल होता है, इसमें अर्ध सममात्रिक में दिमाग में बना लीजिए, इसमें यदि प्रत्येक चरण के अंत में होगी और तुक हमेशा जो है जो आपके सम चरण होंगे इसमें सदैव तुक मिलेगा। ठीक है, दूसरी चौथी में तुक मिलता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, इसमें से जो सवाल पूछे गए हैं वो लाला से यही पूछा है, जब इसको पूछता है कि निम्न में कौन जो है सम मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं, तब इसका नाम डालता है, वैसे इससे विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला एक छप्पे है, विषम मात्रिक का उदाहरण है, रोला उल्लाला से मिलकर बनता है, इस बात को याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, 6 चरण है, रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, सबसे जरूरी यही जानना है, इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, और ये रोला छंद के लक्षण पहले 4 चरण में मिलेंगे, अंतिम 2 में उल्लाला के मिल जाते हैं, 6 चरण इसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक आपने ये उदाहरण देखा होगा, ठीक, कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, इसमें इसके आगे नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग बृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में ये लाइनें कही गई हैं, और उसके बाद करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी सवेश की, हे मातृभूम तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, जिनकी वंदना की गई है भगवान विष्णु के बारे में, उनके हर एक चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की गई है, तो ये जो पूरा का पूरा पहला 4 आपका जो मिलेगा, अंतिम 2 मिलेगा, इन दोनों में अंतर होगा। उसके बाद एक आपका और बसता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये आपके
सिलेबस में कभी पूछा गया होगा, आला छंद, ठीक है। अब आप कहोगे कि आला तो दूसरा होता है, आला छंद होता है। इसमें थोड़ी सी चीजें हैं आपको जानने को। ये मात्रिक छंद ही है, इसमें मात्राओं की संख्या सिर्फ दिमाग में रखिएगा, 31 मात्राएं होती हैं इसके हर एक चरण में, आला छंद में, ठीक है। और ये नहीं ध्यान रखना है कि गुरु व एक लघु आता है, क्योंकि इससे जो सवाल आपके बनेंगे 25 में, हो सकता है एक बन जाए ज्यादा से ज्यादा, या दो सवाल, ठीक है। हालांकि आपको जानना है, जितनी चीजें मैंने बताई उतना अगर आप शॉर्ट नोट सभी बना लेते हो, रखते हो, तो उतने रिवीजन से आपका काम बन जाना है। ये क्रमशः 16-15 मात्राओं पर अथवा 8-8 व 8-7 ऐसे मात्राएं इसमें होती, कोई नियमित क्रम नहीं है, इस बात को बस इतने पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपके लगभग इंपॉर्टेंट छंद रहे सब में, इसमें और वर्णिक में, वो मैंने बता दिया। एक मैंने छंद का ये प्रकार बताया था कि कुछ लोग मुक्त छंद को भी मानते हैं। मुक्त छंद क्या है भैया, कि ना तो वर्ण का कोई बंधन है, ना मात्राओं का बंधन है, जैसा मेरे दिल में आया वैसा मैंने बाथरूम सिंगर बन गए हम लोग, ठीक है। जब नहाने जाते हैं तो अधिकतर लोग जो मर्जी जहां से निकली कविता वो वहीं से गा दिए, तो ये मुक्त छंद की अपनी जो है रचना है, ठीक। इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि इतने वर्ण होंगे, इतने आपके जो है मात्राएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं, आराम से जैसा मर्जी वैसा चल रहा है, ठीक है। तो यह ऐसे छंद जो है मुक्त छंद के अंतर्गत रहते हैं, इनमें कभी भी आपको कुछ सोचना नहीं है। तो जितना मैंने बताया है उन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो जो छंद से उत्तर प्रदेश एसआई में आपके पूछा जाएगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं, इसके बाद आपका अलंकार प्रारंभ होगा। मस्त होकर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना सिलेबस है बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसकी जैसी उपयोगिता है उस चैप्टर को हम उतना ही विधिवत पढ़ेंगे, इस चीज को आप भरोसा रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी निःशुल्क पढ़ा रहे तो गुरुजी उड़ा रहे हैं, ठीक है। जो चीजें जिसकी जैसी उपयोगिता है, जिसका भैया जिस अनुसार आपका जो है पाठ्यक्रम में जैसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकृति के अनुरूप आपको सारी चीजें बहुत विधिवत ढंग से मिलेंगी, इस चीज की आपको एकदम निश्चिंत रहना है इसके लिए। तो फिर मिलते हैं इससे आगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।